तुम्हाला ट्रेलर कसा वाटला आणि ह्या सिनेमाबद्दल तुम्ही काही सूचना दिल्या होत्या का की सिनेमा हा असा बनला पाहिजे? पहिलं म्हणजे मला कसा वाटला याच्यापेक्षा तुम्हाला सगळ्यांना कसा वाटला, त्याचं कारण चित्रपट मी एकाने बोलणार, संपूर्ण देशच नव्हे तर मी मगाशी सांगितलं की हा चित्रपट जगभर गेला पाहिजे आणि तो जगभर तेव्हाच जाऊ शकतो की ज्या वेळेस त्याच्यात काहीतरी दम असतो. आणि मला असं वाटतं या चित्रपटात नुसत्या मेहनतीला पण आदर होतो, जीव ओसून मेहनत करावी लागते. जसं नवाज भाई आपने कहा की मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करले पण जोपर्यंत त्याच्यामध्ये कलाकार आपला जीव होतच नाही तोपर्यंत ते व्यक्तिमत्व उभं नाही होत. आणि मला असं वाटतं अतिशय मेहनतीने जीव सोडून जीव बसून सगळ्यांनी काम केलेलं आहे. आपने ट्रेलर देखा है, आपको लगा कुछ हटा है? आपको लगा कुछ हटा है? बाला साहब ठाकरे जैसे थे जैसे जे वैसे पर्दे पर दिखे. बाला साहब को ना उस वक्त किसी ने रोक लगाए ना अभी कोई रोक लगाए. उद्धव जी अभी पिक्चर की बात नमस्कार. और वो जो बात है वो मैदान में करेंगे. पहलू में आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा पहलू रहा? क्योंकि जाहिर है वो एक इतने बड़े नेता थे, पिता थे, पति थे, तो आपके लिए सबसे ज्यादा कौन सा पहलू जीना उनके लिए मुश्किल था? देखिए उनका तो कोई भी पहलू बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था ना उसको निभाना. और स्पीचेस थी जो ईज था उनके पास, टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो जो ईज था उनके पास बात करने का और जो उनकी स्पीचेस जैसे आजकल देखा जाए तो वैसी नहीं थी, बहुत ही कन्वर्सेशनल होती थी. जैसे बात कर रहे हो जैसे मेरे पास ऑडियंस को ऐसा फील होता होगा उस वक्त पे कि जैसे उनके पास बैठ के उनकी बातें सुन रहे, उनकी उनको बोल रहे हैं, उसको महसूस होता था, ऑडियंस को महसूस होता था. तो वो बातें करते थे, कोई स्पीच नहीं होती थी उनकी, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था एक्चुअली कि जब वो स्पीचेस हो ईज हो और वो बिल्कुल लाइक कन्वर्सेशनल हो. और भी लाइक जैसे सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जो कनेक्शन, उनका जो कनेक्शन था लोगों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था. और वो हमने कोशिश की कि महारत तो देखो किसी चीज़ में नहीं होती, मैं कोई परफेक्शन तक पहुंचने की वो होती है बट पहुँचता कोई नहीं है. तो बस पूरी लाइफ यही होती है कि उसको खोजते रहें, डिस्कवर करते रहें, फाइंड आउट करते रहें कि क्या करेक्ट हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए. तो परफेक्शन तो या महारत तो हासिल मैंने की नहीं है क्योंकि अभी बहुत कुछ अभी बाकी है. भारत आपकी पर्सनालिटी तो खैर हीरोइक थी ही हर तरह से, लेकिन हम देखते हैं कि बायोपिक्स में बहुत सारे जो ग्रे पहलू होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं. और बहुत बार हमने ऑफ लेट बॉलीवुड में देखी है बहुत सारी बायोपिक ऐसी हैं जो उस चरित्र जो उतना लेजेंडरी किरदार थे उनके साथ में वो इंसाफ नहीं कर पाए. तो इस ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा, तो किस तरह से ये कितना न्याय दे पाएगी और ये इस चैलेंज को आप किस तरह से पूरा कर पाए हैं? मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि हीरोइन दिखाने के लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी. शुरुआत का जो सेक्शन था वो बाला साहब को कैसे हीरोइन ना दिखा सकते उस पर हमारी मेहनत थी, क्योंकि डे वन से बाला साहब ठाकरे पूरे देश के लिए हीरो है. और जो बाकी बायोपिक में क्या होता है पता नहीं, लेकिन हम लोग बहुत एक रियलिज्म को पकड़ के हम लोग चल रहे थे. उनके जैसे अवताप ने बोल दिया था कि 2 घंटे में बाला साहब बैठाना एक नामुमकिन है. ये ऐसा नहीं है कि पूरी बायोपिक हमने पूरी 2 घंटे 2.25 घंटे में दिखाई है, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण उनके देश के बारे में या महाराष्ट्र के बारे में जो महत्वपूर्ण उनके जो किस्से हैं, उनके इंसिडेंट्स हैं, वो दिखाने की कोशिश है. और वो बहुत ही प्रामाणिकता से किए हमने, और इतनी प्रामाणिकता से किए है कि आप सेंसर बोर्ड को पूछ सकते हैं आज सुबह से हमारे ट्रेलर के भी पीछे पड़े. बातें होगी आप जरा गौर कीजिए, यहाँ परिवार बैठा है जो जिनके ऊपर फिल्म है उनसे जुड़ी फिल्म बनाई है. हमने कई बार इस तरह के बायोपिक्स बनाए हैं, तो इसमें एक बड़ी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि भाई आपका जो अटैचमेंट और प्यार है वो तो हो, लेकिन वो फ्रीडम भी हो कि आप वो सब्जेक्ट कह सकें.
और उसका क्रेडिट मैं संजय जी को दूंगा, क्योंकि वो फ्रीडम, वो ब्लेसिंग जो परिवार का है वो उनके साथ था, और उन्होंने वही रियलिज्म, जेन्युइन स्टोरी, जो व्यक्ति मतलब थे वो व्यक्ति मतलब पिक्चर में उतारे थे। इसमें कोई व्हाइट वॉश नहीं है या कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि उन्हें किसी और थोड़े सॉफ्टर तरीके से पेश किया जाए। तो जो जो उनका जीवन था, जो शैली थी जिससे लोग प्रभावित होते हैं, जो उनके फैंस होते हैं, इंस्पायर होते हैं, वही चीज अभिजीत ने किरदार में उतारी है। उनकी फ्रीडम इन लोगों ने दी और उन्होंने उसको परफॉर्म किया। तो यही आप सब देखिए के लिए, जैसा मैंने कहा कि हर किरदार जब आप उसका रोल निभाते हैं तो उसको अमर कर देते हैं, और अब इस अमर किरदार को आप निभा रहे हैं, तो क्या भावना रही है और आपकी और क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो नमस्कार सबको, और थैंक यू राज साहब। पहली बार जब मैंने ये न्यूज सुनी और ये रोल में कर रहा हूँ, और मुझे यकीन नहीं हुआ अपने अपने आप पे। फिर हम लोग नीचे गए, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे तो उसके नीचे गए, और मेरी लाइफ का आई थिंक सबसे ग्रेट मोमेंट था वो। हम लोग तीन साथ में थे, मैं, ब्रदर और मेरा अनूप। तो मेरी खुशी उनको मालूम होगा कि कितना खुश हुआ था मैं, और क्योंकि इसलिए खुशी हुई कि आई थिंक मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग रोल था। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतना और जैसे जैसे टाइम आता गया कि मैं नर्वस होता गया, क्योंकि मैं किस तरीके से कर पाऊंगा ये रोल, कैसे करूंगा। आई थिंक और वो सारी जो मेरी परेशानी, जो मेरे साथ मिलके मुझे सपोर्ट किया वो अभिजीत ने, और फिल्म के दौरान भी जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने बहुत ही ईज करते चले गए मुझे, और एक कॉन्फिडेंस देते चले गए जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ। मैं बस यही कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी बात है कि मुझ जैसे एक्टर को ये कैरेक्टर मिले, मेरी अपॉर्चुनिटी है। और थैंक्स टू उद्धव जी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, राव साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने कोशिश की है कि मैं इसको आपको रिमार्क करूँ, क्योंकि बाड़ा साहब की जो पर्सनैलिटी है वो इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं वहाँ तक पहुँचने में। और वो चंदी, मैं आपको एक उसका छोटा सा एक ग्लिम्प्स